मैं संतोष यादव, तो आप देख रहे हो आज मैं लेके आई हूँ खांडवी की रेसिपी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 5 घंटे पहले छाछ में सूजी भिगो दी थी, ये खट्टी छाछ में सूजी भिगोई थी मैंने। तो देखिए कैसे बनाते हैं खांडवी, तो चलते हैं शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें डालेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा। मैंने ये आधी चम्मच मीठा सोडा डाल दिया और अब डालेंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर। तो मैंने 1 चम्मच लाल मिर्ची डाल दिया इसमें, 1 चम्मच डालेंगे इसमें नमक। नमक आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, कम ज़्यादा। चुटकी भर देखिए फ्रेंड्स, 1 चुटकी भर हल्दी बिल्कुल कम डालनी है हमारे को। इसमें मैंने 2 प्याज ली है बारीक काट के, तो ये डालेंगे प्याज। ये 2 हरी मिर्ची ली है, इसको भी बारीक काट लिया मैंने धो के, ये भी डाल दिया। इसमें डालूंगी 1 प्याज बारीक कटा हुआ, आलू, ये मैंने आलू भी डाल दिया इसमें कटा हुआ बारीक। इसमें गया 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, इसको अच्छे से मिला देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं राई भूल गई थी, तो 1 चम्मच इसमें राई डाल दी मैंने, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। और तो थोड़ा सा डालेंगे इसमें हींग, ये मैंने हींग डाल दी आधी चम्मच। अब इसको अच्छे से फेंट लेंगे, 2-3 मिनट अच्छे से फेंटेंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लो की कढ़ाई ले ली, इसका पींदा भारी है इसलिए इसमें बनाएंगे हांडवी। तो इसमें डालेंगे सोयाबीन का तेल। तो इसमें तेल जैसे हांडवी बनाएंगे वैसे तेल डालना पड़ता है, एक बनाएंगे तो एक बार, दो बनाएंगे तो 2 बार ऐसे तेल डालते हैं। मैंने डाल दिया सोयाबीन का तेल। तो इसमें डालेंगे राई और तिल। देखिए थोड़ी सी मैंने राई डाल दी और थोड़े से वाइट तिल। देखिए फ्रेंड्स, ये बैटर बनाया था हमने, वो डालेंगे इसमें। तो चम्मच की मदद से मैं डाल रही हूँ इसमें। ऐसे फैला देना है हमारे को डाल के। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बैटर बनाया था वो डाल दिया, ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा तिल। तो 10 मिनट के लिए इसको ढक के रखना है, तो मैं 10 मिनट में चेक करूँगी इसको। गैस मैंने लो फ्लेम पे कर रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे को 10 मिनट हो गई, अब चेक करते हैं खांडवी को। देखिए इसको मैंने पलट दिया, आप देख सकते हो कितने अच्छे से बनी है ये। तो 5 मिनट और पकाएंगे इसको दूसरी साइड से, फिर करेंगे चेक। तो देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं खांडवी की तरफ। तो 5 मिनट हो गई, दूसरी साइड से देखते हैं। देखिए फ्रेंड, इसको निकालूंगी मैं प्लेट में। देखिए हमारी हांडवी कितनी अच्छी बनी है, आप देख सकते हैं।